The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों एक और बात आपसे करनी है बी ट्वेल्व डेफिशियंसी के बारे में बात करेंगे बी सॉरी बी ट्वेल्व टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे आज के डेट में कोविड के दौर में हर इंसान कोई ना कोई मल्टीविटामिन द मोस्ट कॉमनली तो जिनको विट लेते हैं या फिर मिथाइल को बी कासूल जेड बी कासूल बी का सुप्राडीन ए टू जेड ऐसी कोई ना कोई मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं उसमें आप देखोगे तो मिथाइल कोबालामिन यानी कि बी ट्वेल्व नाम की दवाई ज़रूर मिलेगी आपको और बी ट्वेल्व एक वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी बॉडी में और वो एक ज़रूरी है और आ, कई बार हाई डोज़ बी बी ट्वेल्व आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी है प्रैक्टिकली कई वंडरफुल चीज़ें बी ट्वेल्व से अचीव होती हैं नसें ठीक होती हैं नसों का दर्द ठीक होता है कई बार uh, कई सारी बीमारियों में बहुत फायदा होता है बट देर आर सम सम माइनर रिस्क ऑल्सो देर इज नो क्वेश्चन बी ट्वेल्व इज एन असेंशियल इज असेंशियल फॉर हेल्थ और वेजिटेरियंस को उसकी ज़रूरत है वेजिटेरियंस की डाइट में नहीं होता बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बी ट्वेल्व इज मीट पोल्ट्री सी फूड एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स और बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिलता अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नहीं 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 आपके गट बैक्टीरिया बी बनाते हैं लेकिन इतना नहीं बनाते कि आपको मिले और आपका शरीर तो बनाता ही नहीं है कि आपका आपको डेफिशिएंसी पूरी हो जाए तो आपको अगर बी ट्वेल्व पर आपके शक है तो आप अपना वाइटमिन बी ट्वेल्व सिरम बी ट्वेल्व लेवल चेक कराइए डेफिशिएंसी को करेक्ट करिए और इंजेक्शन्स अगर लेते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक गोलियां लेते हैं तो कई बार टॉक्सिसिटी तो नहीं बट हाई डोज में पहुँच जाता है एक की जगह दो हज़ार से ऊपर आपका बी लेवल पहुँच जाता है तब क्या होगा राइट right. याद रखिए बी कई सारी बीमारियों के लिए यूजफुल uh, है चाहे आपको इंफ्लामेशन हो इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज़ हो कई सारी जेनेटिक म्यूटेशनस हो नसों में दर्द हो नसों में दिक्कत हो एनीमिया हो खून की कमी हो कमजोरी होती हो न कोई ब्रेन का प्रॉब्लम हो बी ट्वेल्व इज़ ए इंपॉर्टेंट फूड सो बी ट्वेल्व आपके मूड को भी ठीक करता है एनजाइटी को भी ठीक करता है डिप्रेशन को भी ठीक करता है तो इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग तो बी ट्वेल्व को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट समझ के चलिए उसके रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है डी एन ए सिंथिस में भी इंपॉर्टेंट है आपके ए टू जेड आ, आ, हेल्थ के लिए मूड के लिए ब्रेन के लिए डिप्रेशन के लिए सब चीजों के लिए बी ट्वेल्व जरूरी बट ज़्यादा ले लिया तो देखो बी एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है ठीक है जनरली सेफ माना जाता है इवन हाई डोज में डबल डोज ट्रिपल डोज डजेंट मैटर बट अपर लेवल हर चीज की होती है हर चीज़ की अपर लेवल होती है मतलब एक होता है टॉलरेबल अपर लिमिट उसकी इस्टेब्लिश की गई है बिकॉज इसकी वैसे तो टॉक्सिसिटी लेवल बहुत कम है लेकिन देर हैज़ टू बी सम लिमिट कि इससे ज़्यादा नहीं लेना भैया सो अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम डोज जो विटामिन का अगर आप रेगुलरली लोगे तो जनरल पॉपुलेशन में वो साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकता है नॉट टॉकिंग अबाउट कि मार देगा आपको जान से ले लेगा नहीं बट साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं ना वॉट आर द साइड इफेक्ट्स थ्रेश क्या है अब बिकॉज वाट इज ये जो अपर लिमिट होती है ये एक्चुअली एक बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ है आपके आपके बॉडी के लिए बी ट्वेल्व के लिए बिकॉज आपकी बॉडी जो है जितना भी एक्सेस बी ट्वेल्व होता है ना उसको एक्चुअली निकालती जा रही है यूरिन से आराम से निकाल सकती है बी ट्वेल्व एंड वाइटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल होते हैं सो दे कैन एक्चुअली बी एक्सक्रीटेड वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द ब्लड एक्स्ट्रा इन द ब्लड कैन बी एक्सक्रीटेड आउट वेरी इजीली सो बी ट्वेल्व आपके ब्लड में एक्यूमुलेट नहीं होएगा रहेगा तो अगर आपका 2000 लेवल आ चुका है बहुत हाई आ गया है जस्ट स्टॉप टेकिंग बी ट्वेल्व इंजेक्शन स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन थोड़े थोड़े दिनों में एक महीने में आ जा नॉर्मल आ जाएगा इट्स नॉट अ बिग इशू बी ट्वेल्व बॉडी के अंदर कुछ जगहों पे स्टोर भी होता है जैसे लिवर के अंदर स्टोर होता है एक आध कई ज्यादा ज्यादा कुछ महीनों के लिए स्टोर होकर रह सकता है इसलिए ऐसा नहीं है कि अब भर गया तो जिंदगी भर नहीं लेना नहीं यू विल हैव टू टेक अ रेगुलर डोज द ओनली वे यू कैन हैव बी ट्वेल्व थ्रेशोल्ड कॉज या उसके साइड इफेक्ट इज मेगा डोसेज मेगा मतलब बहुत ज्यादा हैवी इंजेक्शन 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 बहुत ज्यादा ले लिया लेते गए लेते गए लोग लेते गए ओरल मेडिकेशन से मुंह से लेने वाली दवाइयों से का भाई बहुत ही नामुमकिन के आसपास मान लीजिए कि साइड इफेक्ट होगा बट फिर भी इट्स नॉट इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दस दस गोली खा ली तो है वो अलग बात है बट देर आर एसम एविडेंस कि हाई डोसेज ऑफ बी ट्वेल्व कैन लीड टू नेगेटिव हेल्थ अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो बता दिया ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा बट हाँ नेगेटिव हेल्थ रिजल्ट भी है अगर बहुत हाई डोज में आप रोज रोज रोज, रोज 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 लेते जा रहे हो बिना रोक टोक बिना गाइडेंस बिना डॉक्टर के सलाह के किस पे आएगा नेगेटिव डायबिटीज़ डायबिटीज एंड किडनी किडनी एंड डायबिटीज़ एक स्टडी ने देखा था कि नॉर्मली डायबिटिक नेफ्रोपैथी और दो डायबिटिक न्यूरोपैथी में बी ट्वेल्व इज वेरी गुड राइट तो उसमें अगर वन मिलीग्राम पर डे बी ट्वेल्व ले रहे थे हाई डोज बी ट्वेल्व ले रहे थे तो उसमें यह देखा गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले केसेस में क्योंकि किडनी का काम है बी ट्वेल्व निकालना ऑलरेडी किडनी खराब है तो उस केस में और ज़्यादा बी ट्वेल्व जमा हो रहा था और बी ट्वेल्व के वजह से किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ा और किडनी की जो बीमारी है और ज्यादा खराब होनी और ज्यादा तेजी से खराब हो रही ऑलरेडी खराब हो रही थी वो और ज्यादा तेजी से खराब होते हुए लगा अब ये प्रूवन नहीं इट्स जस्ट वन स्टडी सो तो ऐसी कई स्टडीज होंगी तब पता चलेगा सो तो किडनी पर लोड नहीं देना अगर बी ट्वेल्व खराब हो तो वो डॉक्टर के हिसाब से लो डॉक्टर कहता है उसको लगाए उसको पता है देन खुद से नहीं लेना अब अगर हाई डोज ले रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हाई डोज बी ट्वेल्व के आपके स्ट्रोक और हार्ट अटैक ऐसे केसेस में भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोज बी ट्वेल्व अगर अब लेते ही जा रहे लेते जा रहे हैं देन ऐसे रिस्क भी कुछ स्टडीज़ में आए हैं बट इसका कोई प्रूफ नहीं है दट uh, इसके अभी फिलहाल कारण नहीं पता क्यों है क्या है इसीलिए वी कैन नॉट से कि ये कैसे हो राइट right? सो so, अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया ये दो तीन एविडेंस है हमारे पास ओरल सप्लीमेंट्स से ये नहीं हो सकता इंजेक्शन से ही हो सकता है इंजेक्शन से ही हो सकता है ओरल सप्लीमेंट्स का इट्स इट क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप ये बड़ी इसको लें बी ट्वेल्व की डेली रिक्वायरमेंट आपकी होती है टू पॉइंट फोर एम सी जी टू पॉइंट फोर एम सी जी यानी माइक्रोग्राम्स पर डे और uh, यहाँ पर जब हम सप्लीमेंट्स uh, लेते हैं तो कई बार वो दो सौ पाँच सौ एम सी जी या uh, कई बार uh, हजार एम या दो हजार एम तक भी हो सकते हैं तो इससे आपके दस दस बीस बीस हजार कितने गुना डोसेज हैं सो इज़ अ कुछ एविडेंस है लिटिल एविडेंस कि वेरी हाई डोज वेरी हाई डोज बी ट्वेल्व कैन कॉज एडवर्स साइड इफेक्ट्स और ये भी ना कुछ पॉपुलेशन में देखा गया अभी स्टडी होगी बाकी पता चलेगा मगर उस इट इज ओवरऑल वेरी गुड वेरी सेफ तो यू शुड बी टेकिंग सो कितना लेना चाहिए बी ट्वेल्व आपको सो so बी ट्वेल्व रेगुलरली लेना चाहिए क्या नहीं इफ यू आर अ वेजिटेरियन तब आप लेना जरूरी पड़ सकता है वरना बी ट्वेल्व के कुछ सोर्सेज आपके सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व मिल्क इज अ गुड सोर्स वो सब है तब तो चाहिए जरूरत बट स्टिल आई वुड सजेस्ट साल में दो साल में एक बार बी ट्वेल्व लेवल चेक करा लो डेफिशिएंसी भी खराब है बहुत हाई भी खराब है सिर्फ खाने से हाई कभी नहीं होगा होगी तो डेफिशिय होगी तो डेफिशंसी के लिए करा लो एंड देर आर सम नॉन वेजिटेरियन फूड वो खाओगे तो थोड़ा मेंटेन रहेगा आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो प्रेग्नेंट हो कोई बीमारी है नसों में बीमारी है ब्रेन में बीमारी है बी ट्वेल्व लेना पड़ेगा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा लेना चाहिए डॉक्टर देंगे वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं डॉक्टर खुद ही देंगे सो यू कैन टेक इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर डॉक्टर से बीच बीच में पूछो डॉक्टर ने कहा ये लेते रहना है इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर छोड़ा ही नहीं छह महीने आठ महीने साल भर दो साल गो बैक टू द डॉक्टर आस्क या फिर एटलीस्ट चेक योर बी ट्वेल्व लेवल्स आफ्टर सिक्स मंथ्स वन ईयर भाई चेक करने में क्या दिक्कत है चेक करने में क्या दिक्कत है है ना बी ट्वेल्व चेक करने में क्या दिक्कत है दैट इज द आइडिया बी ट्वेल्व आप चेक करिए तो बी ट्वेल्व डेफिशियंसी से में इवन जैसे मैंने बताया पांच सौ दो हजार एम सी जी तक डोस आता है तो इवन दो हजार एम सी जी पर डे इज कंसिडर्ड सेफ बट कब तक कुछ महीने तक भी ले सकते हो पर ऐसा नहीं जिंदगी भर जिंदगी भर सेफ नहीं है ओके सो हैज टू बी अ लिमिट है ना सो so, इसीलिए बी ट्वेल्व की भी डेफिशिएंसी है बट देट इज नो मेजर साइड इफेक्ट इमिजिएटली आप नॉर्मली 500 सौ एम जो है ये दिया जाता है और एक्चुअली में जो सबसे बड़ा इश्यू है ना वो एब्जॉर्बन का है ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप में डेफिशिएंसी मान लो आपकी बॉडी बहुत बहुत इंटेलिजेंट होती है अगर आप में डेफिशिएंसी है शरीर में कम है तो जब आपने 500 मिलीग्राम बी खाया पाँच सौ एमसीजी खाया माइक्रोग्राम तो उसमें से वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी लेकिन अगर आपकी बॉडी डेफिशिएंसी नहीं है और आपने 500 सौ एम ओरली खाया तो सिर्फ 10 एम उसमें से एब्जॉर्ब होगा ओनली अप्रोक्सीमेटली दैस पांच सौ में सिर्फ दस एब्जॉर्ब होगा बाकी सब वेस्ट जाएगा तभी लोग कहते हैं मल्टी वेस्ट जाते हैं मल्टी वेस्ट जाते हैं क्यों जाते हैं क्योंकि तो अगर आपको डेफिशियसी नहीं है तो आपको नीड नहीं है अगर आप खाते पीते घर से बैलेंस डाइट लेते हो आपको नीड नहीं है तो वो वेस्ट जाएगा आपको बॉडी पागल थोड़ी है दे जा रहे हो दे जा रहे हो दे जा रहे हो मैं लेके ले लूंगा है कि जस्ट लाइक की नेक्स्ट like रोटी आपको चार रोटी खा ली पांच रोटी खा ली भाई मेरा पेट भर गया जितनी भी आप खाते हो मैं तो एक ही खाता हूं ज्यादा खाते हो पेट भर गया उसके बाद आपके प्लेट में आती जा रही आती जा रही क्या करोगे दानी दे दोगे ना छोड़ दोगे ना दैट्स वॉट योर बॉडी इज डूइंग और गलती क्या है उसकी आपने टेस्ट नहीं करा टेस्ट योर डेफिशियंज एंड देन ट्रीट योर डेफिशियंज राइट right. जबरदस्ती के वाइटाम्स लेने हैं तो जैसे मैं बताता हूं कभाई कभार ले लिया करो कभाई कभार लेने में कोई नुकसान नहीं है आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट सो बी ट्वेल्व इज इंपॉर्टेंट बी ट्वेल लेना चाहिए दो हाई डोजेज बी ट्वेल्व भी नुकसान नहीं दे सक देते हैं कई बार इंजेक्शन से आपको ओवर डोज हो सकता है या हाई डोज बी ट्वेल्व रेगुलरली करोड़ों साल तक करोड़ों तक, लंबे लंबे सालों साल तक लेते रहना भी कभी कभी नुकसान दे सकता है तो इसीलिए साल दो साल में अगर आप बी ट्वेल्व को कोई सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन डेली ले रहे हो तो साल दो साल में एक बार बी ट्वेल्व का लेवल जरूर चेक करा लिया करो वेजिटेरियन हो तो कर लिया करो हेल्दी डाइट लीजिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को धमाधम शेयर करिए अगर आपको लगता है हमारा काम जरूरी है तो सपोर्ट करा करो थैंक यू सो मच दिस इज डॉक्टर परमजीत स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी